Hello everyone, myself Dr. Tanu Arora. I am consultant oral and maxillofacial pathologist at Dr. Sachin Mittal's Advanced Industry Model Town Hisar. So today I am here to discuss about post extraction instructions. मतलब कि जब भी हम कोई दांत या जार निकलवाते हैं डॉक्टर से तो उसके बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे हमें टेक केयर करनी चाहिए, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइट फॉर्मली ऑन द गॉज पीस योर डॉक्टर हैज प्लेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्शन साइट. मतलब कि जहां से हमें लुक निकलवाया है वहां पे डॉक्टर एक गॉज पीस और एक पीस ऑफ कॉटन वहां पे आपके रखते हैं मुंह में. तो उस कॉटन को और गॉज पीस को आपने 30-40 मिनट्स के लिए प्रेस करके रखना है. इन बिटवीन अगर आपको लगे कि वो ज्यादा सिक्रीशन होने की वजह से वेट हो गया है या आपका सलाइवा ड्रूल कर रहा है बाहर, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, बट आपको उसको प्रेस करना ही है 30-40 मिनट्स के लिए. और हो सके तो आप उसको मैक्सिमम 1 आवर के लिए भी प्रेस करके रख सकते हैं, क्योंकि प्रेस करने से क्या होगा कि हमारे वहां पे ब्लीडिंग जो हो रही है वो रुक जाएगी प्रेशर की वजह से. सेकेंडली, जो हमारा ब्लड क्लॉट वहां पे बनना होता है एक्सट्रैक्शन साइट पे, जो उसको हीलिंग, जहां हीलिंग स्टार्ट होती है, तो हमें इसलिए उसको वहां पर प्रेस करके रखना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए ये है कि जब हम उसको रिमूव कर देते हैं 1 आवर के बाद, तब हमें कुछ ठंडा पीने के लिए लेना है और हमें जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उनको लेना है. तो हमें कुछ भी गर्म नहीं खाना है 24 आवर्स तक. जो भी हम लेंगे वो हमें ठंडा ही लेना है. जब भी हम कुछ ठंडा ले रहे हैं, कोई भी जूस या ड्रिंक ले रहे हैं, तो उसको हमने स्ट्रॉ से नहीं पीना है, हमने उसको डायरेक्ट ग्लास से ही पीना है, क्योंकि स्ट्रॉ से वहां पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा तो हमें वो हमारी हीलिंग के लिए अच्छा नहीं है. तो हमें स्ट्रॉ से कुछ भी इंटेक नहीं करना है, हमें एटलीस्ट 24 आवर्स तक ग्लास से ही इंटेक करना है. एंड ट्राई टू अवॉइड कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक फॉर एटलीस्ट 1 वीक आफ्टर एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन के बाद हमें कोई भी कोल्ड ड्रिंक या फिर बियर या फिर एल्कोहल, ये चीजें हमें यूज नहीं करनी है. एंड स्मोकिंग भी बिल्कुल भी नहीं करनी है फॉर एटलीस्ट 1 वीक, जब तक कि हमारा जो एक्सट्रैक्शन एरिया है वो पूरी तरह से हील नहीं हो जाता. सेकेंड, जो भी डॉक्टर ने पेन किलर प्रिस्क्राइब की होती है उन्हें हमें एम्प्टी स्टमक इंटेक नहीं करना है, हमें उन दवाइयों को खाली पेट नहीं लेना है जो भी हमारे पेन के लिए मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं. नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी हम जब दांत निकालते हैं या कोई भी विजडम टूथ हम रिमूव कराते हैं, विजडम टूथ मतलब कि जब हम अपनी अकल जाड़ रिमूव कराते हैं, तो आफ्टर एक्सट्रैक्शन स्वेलिंग आने के चांसेस रहते हैं. तो उस स्वेलिंग से आपको घबराना नहीं है, वो एक जस्ट नॉर्मल हीलिंग का पार्ट है. अगर आपको स्वेलिंग फील होती है तो फर्स्ट आपने ये ध्यान रखना है कि आपको उस तरफ प्रेशर लेके नहीं सोना है, उस तरफ करवट लेके नहीं सोना है जिस साइड से हमने टूथ रिमूव कराया है, हमें उसके अपोजिट साइड में ही सोना है. सेकेंड, अगर आपको स्वेलिंग लगती है तो आप आइस पैक यूज कर सकते हैं. अब है कि हमें आइस पैक यूज कैसे करना है. आइस पैक को हमने लिया और 20 मिनट्स तक हमने उसको एक्सट्रैक्शन साइट पे लगा के रखना है आउटर साइड से, और उसको 20 मिनट्स के बाद हम हटा देंगे. फिर हम 20 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, देन हम फिर से यूज करेंगे. तो हमें उसको अल्टरनेटली ऐसे ही 3-4 टाइम्स यूज करना है आइस पैक को. आइस पैक से स्वेलिंग काफी हद तक कम हो जाती है. एंड ट्राई टू गेट फॉलो अप आफ्टर 1 वीक ऑफ एक्सट्रैक्शन. थैंक यू, टेक केयर.